हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये पेपर 15/12/2020 को 12:30 से 2 बजे के बीच में हुआ था। सब्जेक्ट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चंस NADA, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? समाज सुधारकों में 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, योगायप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से जोड़ता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन कहलाता है? तो इसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जटिन निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिहार राज्य का लोक नृत्य है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शैलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को कहा जाता है खनिज विज्ञान, यानी कि मिनरलॉजी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म प्रश्न मंदिर स्थित है? केरल राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म श्रेष्ठ मंदिर स्थित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला तो हो गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, खालिस्तान आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है? तो आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है मंदी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मांडू महोत्सव जो है ना, ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय चीन में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? केरल की सर्वाधिक आवश्यक और प्रधान फसल है चावल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, ये कहां पर स्थित है? सो गाइस, ये कर्नाटक में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, अगला क्वेश्चंस देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो भारत में पहली बार बजट प्रणाली सन 1860 में शुरू की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता, उसे हम कहते हैं व्यसनी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार
केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 246 तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। वर्ष 1784 में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन WTF स्पोर्ट जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है के ब्रांड अम्बेटर में से एक है। हरमनप्रीत कौर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान SAI का गठन करते हैं, तो IAAD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक के साथ $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। तो मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में कब्जा कर लिया था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, UTR यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस एक खालिस्तान सब प्रतीकों वाला कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है, 22 दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 में की गई थी, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था। तो वर्ष 2015 में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और समर्थन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 ईसा पूर्व में चालुक्य वंश के किसके द्वारा निर्मित किया गया था। यह पुलकेशिन प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आलमट्टी बांध जो है ना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय केन्या में स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम CRPF एक्ट द्वारा शासित स्वतंत्रता के बाद CRPF अधिनियम CRPF एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ये वर्ष 1949 में लागू किया गया, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो घूमर जो है ना ये राजस्थान राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यकालिक रूप से की गई थी। 1865 से 1872 के बीच में की गई थी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, शेवा राय पहाड़िया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? शेवा राय पहाड़िया जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल शरीर अष्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है? सूखा रोग। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा था? तो देखिए, वेद व्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखा था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिवराय पहाड़िया निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये वाले क्वेश्चंस क्या हो गए थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, समथिंग आई नेचर टोल्ड यू नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नाम की जो पुस्तक है ना, ये श्रव्या भिंडर के द्वारा लिखी गई थी। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता? तो डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार जो है ना, ये यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को में सन्निहित किया गया है? तो ये प्रस्तावना में सन्निहित किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट विधेयक अधिनियम इल्बर्ट बिल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया? तो लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट विधेयक अधिनियम इल्बर्ट बिल एक्ट जो है ना, वर्ष 1883 में पेश किया गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान उस सहजता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है? तो प्रवाहकत्व। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? मद्रास में चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत सितंबर 1916 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल सीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो एमएस एक्सेल सीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका नहीं है होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है? तो देखिए, ईमेल जो है ना, ये इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? पेज सेटअप का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ईमेल एड्रेस के संदर्भ में एक ईमेल सामान्यता यूजर नेम डोमेन नेम के रूप में होता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एमएस एक्सेल सीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत नोटेशन प्रयोग किया जाता है? A1, A5 का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल उस करेक्टर सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होता है? इसको जाना जाता है एक्टिव सेल के नाम से। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली पिछली अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है और हमें किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है? नेविगेशन बटन्स। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड
डॉक्यूमेंट्स के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग बिल्ट इन कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है? क्विक टेबल्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना का पता लगाने में मदद करता है? इसको हम कहते हैं सर्च इंजन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दो पेपर सॉल्व करते हैं। लगभग मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और डेली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैं डेली 2 पेपर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, ये पेपर 15/12/2020 को हुआ था, 9 बजे से 10:30 बजे के बीच। सब्जेक्ट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस की जुलाई 2020 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया? इंद्रमणि पांडे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या सरकार की समर्थि सूची में नहीं आता है? तो सरकार की समर्थि सूची में सिंचाई नहीं आता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दोहा में 6ठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोहा में 6ठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना, ये वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा? तो कला के क्षेत्र से मनोहर देवदास जी जुड़े हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह का एक लाभ नहीं है? स्वयं सहायता समूह का एक लाभ नहीं है, ऋणों पर कोई ब्याज दर नहीं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत के कुत्तों के पालन का प्रमाण है? बुर्ज होम, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन मुंबई में किया गया था, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है चंबल, तो चंबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जायद सीजन के दौरान इनमें से किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद सीजन के दौरान खीरा फसल का उत्पादन होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है? मीठे पानी का स्रोत नहीं है महासागर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे? दुर्गाबाई देशमुख जो है ना, ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित की गई थी? 1651 में हुगली नदी पर इंग्लैंड की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो हुगली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? तो चुनार का किला जो है ना, ये राजस्थान में स्थित नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है जो होता है अप्रैल से मार्च तक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो देखिए, योशांग या ओशांग जो है ना त्यौहार, ये मणिपुर में मनाया जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? तो वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस कि दंती दुर्ग खालिस्तान के प्रमुख थे? तो दंती दुर्ग जो है ना, ये राष्ट्रकूटों के प्रमुख थे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सौर कुकर में उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सूर्य की किरणों को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था गाइस कि क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है। तो क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक जो है ना, ये वासुदेव जगन्नाथ पराजय प्रजापे कोच पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित। देखिए गाइस, रोवर्स कप जो है ना, ये फुटबॉल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट जो है ना, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। तुवी जो है लोक नृत्य जो है ना, तुवी लोक वाद्य यंत्र पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को किसी ने हराया था, लेकिन 1192 उसे हार गए थे। पृथ्वीराज तृतीय, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ना, ये वर्ष 2016 में आरंभ की गई थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया। तो अवध से सहायक गठबंधन जो है ना, ये वर्ष 1856 में हटाया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणकालीन स्थल है। तो नवपाषाणकालीन स्थल है कोहड़ेब्बा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को कहा जाता है एंथ्रेक्स। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्याय युद्ध नामक आंदोलन जो कि हरियाणा में न्याय के लिए किया गया संघर्ष था, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व चौधरी देवीलाल ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में है। तो हिमालय की कंचनजंगा चोटी जो है ना, ये भारत में है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो भारत सरकार का प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, असम में मध्यम जनसंख्या घनत्व के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। असम में मध्यम जनसंख्या घनत्व के लिए प्रचुर वर्षा कारक उत्तरदायी नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई है 1500 किलोमीटर। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खालिस्तान को शिशु के मृत्यु दर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के अपकर्ष का कारण बनता है। मिट्टी के अपकर्ष का कारण बनता है अतिशय चराई। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहा है कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो कहलाता है। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, ये कहलाता है कोशिका द्रव। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली जीत माना जाता है। प्लासी का युद्ध जो है ना, ये अंग्रेजों की जीत का पहली जीत माना जाता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक रस्किन ब्रांड ने लिखी है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर क्या है। 3 रोबोट। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल 9 रस हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस,
क्वेश्चन है गाइस कि भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो भारत सरकार कुल 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संसद द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संसद द्वारा संविधान में 2/3 संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है। तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डी होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब के निम्नलिखित में से किस ग्रुप में फॉर्मेट सेट डायलॉग बॉक्स उपलब्ध होता है। फॉन्ट पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट पर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर संचार के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी तालिका टेबल में पंक्तियों, रोज और स्तंभों में कॉलम्स की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो एमएस वर्ड में किसी तालिका टेबल में पंक्तियों, रोज और स्तंभों कॉलम्स की न्यूनतम संख्या 1 पंक्ति रो और 1 स्तंभ कॉलम हो सकती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एमएस वर्ड में यदि आप किसी तालिका टेबल में टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर आपको खाली स्थान में ले जाता है, तो अगले कॉलम में ले जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज होता है 128 bits। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग शीट में एक खाली स्थान, एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होती है, सेल होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य तौर पर आने वाले ईमेल्स को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, इनबॉक्स। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एमएस वर्ल्ड 2007 में टेक्स्ट को उसकी वर्तमान स्थिति से वर्तमान पंक्ति, करंट लाइन के अंत तक हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जा सकता है। Shift+ एंड। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।